बादल सागर से हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 हमने कुछ एक एक्सरसाइज हमने छोड़ दी 2.4, तो आपको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 देखो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर है। इसमें क्या है, थोड़ा आज इंट्रोडक्शन हो जाएगी, बेसिक बता दूंगा, कल हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे हम पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन में सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ऑनली लाइन सेगमेंट। देखो इसमें क्या करना है, क्लोज कर्व, ये जरूरी नहीं कि आपने एक लाइन पे कोई भी कर्व देना है। क्लोज करो, आप चाहो ऐसे दो, आप चाहो ऐसे दो, उसके बाद चाहे आपको मन करे ऐसे दो, चाहे आपको मन करे ऐसे दो, इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोज करो। क्लोज करो जैसे आप एक हाथ हैंड ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे आपने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू ऊपर हैंड नहीं उठना चाहिए, एक ही बार आपने क्लोज कर दिया, दैट इज पॉलीगन ए सिंपल क्लोज करो मेड अप ऑफ ऑनली लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है इसका टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन के 4 टाइप्स हैं। पहला है कनकेव पॉलीगन, दूसरा है कन्वेक्स पॉलीगन, तीसरा है रेगुलर पॉलीगन और चौथा है आपका इरेगुलर पॉलीगन। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन होता है जिसकी एटलीस्ट एक डिग्री, एक एंगल क्या होगा 180 डिग्री, बाकी सारे 180 डिग्री से कम होंगे। जैसे आप, मैं यहां पे लिखूंगा कि ये हमारे पास कोई एंगल है, ये हमारे पास कोई एंगल है, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसका ये वाला जो एंगल है 180 का है, बाकी सारे एंगल 180 से कम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कनकेव पॉलीगन। वो पॉलीगन जिसका एक एंगल 180 डिग्री होगा, बाकी के सारे एंगल जो होंगे 180 से कम होंगे, उसको बोलते हैं हम कनकेव पॉलीगन। उसके बाद दूसरा हमारे पास है कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसके सारे के सारे एंगल 180 से कम होते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, इसका एंगल देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, 180 से कम ही है, मतलब सारे के सारे एंगल हमारे पास के यहाँ पे 180 से कम है, उसको बोलते हैं हम कन्वेक्स पॉलीगन। उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। अब देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारे के सारे एंगल सेम है, जैसे इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, सारे के सारे एंगल सेम है, यहाँ पे जिसके सारे एंगल सेम है तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। तो दूसरा है, फोर्थ आपका है, फोर्थ वन के हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसका कोई भी एंगल सेम नहीं होता है। देखो इरेगुलर, जैसे अगर आप, जैसे रेगुलर आप डेली बेस पे कोई चीज काम कर रहे हो तो हर एक चीज प्रॉपर वैसे हो रही है, जैसे आप रोज स्कूल आओगे या कोई भी काम करोगे तो डेली बेसिस पे, तो प्रॉपर वैसे क्या होते हैं, वो इक्वली हो जाएगी, ना कि कभी आप ज्यादा करोगे या कभी कम करोगे, तो उसको जैसे मैंने यहां बताया हर एक के एंगल क्या है, सेम है। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि देखो अभी आपके इरेगुलर का कोई भी एंगल कभी सेम नहीं होता है यहाँ पे, जैसे ट्रेपिज्म आपके पास है, ये ट्रेपिज्म है, तो इसके सारे के सारे एंगल सेम नहीं है। तो देखो जैसे आप कभी स्कूल आते हो कभी स्कूल नहीं आते हो, तो आपका जो ये पढ़ने का जो डेली बेसिस का जो शेड्यूल है तो वो आपका चेंज होता है, तो उसमें क्या है कि वो उसके हर एक जो स्ट्रेटजी आपकी डेली बेस पे होती है वो आपकी सेम नहीं रहती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम इरेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पे हर एक डिग्री एंगल सेम नहीं है, उसको बोलते हैं हम इरेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों आज आपका सिर्फ, आज सिर्फ बेसिस था, बेसिक तो इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, तो कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।